नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। क्या ईरान एक बार फिर से इसराइल पर करने जा रहा है बड़ा पलटवार? इसराइल के हमले के बाद मुस्लिम देश भड़क गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इसराइल को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इसराइल के हमले का अब करारा जवाब दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि ईरान कैसे और कब इसराइल पर हमला करेगा? बात नंबर एक, बताया जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार हैं और 1000 से ज्यादा फतेहवन, गदर और खुर्रम शहर मिसाइल से ईरान इसराइल पर हमले कर सकता है। हमने देखा भी था पिछली बार कैसे ईरान ने करीब 200 मिसाइल से इसराइल पर अटैक किया था, जिससे इसराइल में भारी नुकसान हुआ था। और इस बार कहा जा रहा है कि ईरान के साथ 1000 मिसाइल इसराइल पर दागी जा सकती हैं। बात नंबर दो, इसराइल के मिलिट्री बेस, हथियारों के ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। साथ ही आईडीएफ के सभी ठिकानों पर ईरान एक साथ हमले कर सकता है। उसी तरह मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान के टारगेट पर है। बात नंबर तीन, क्या इसराइल के न्यूक्लियर सेंटर्स भी ईरान के निशाने पर हैं, जिसको लेकर काफी चिंताएं हैं। इसराइल के बड़े परमाणु संयंत्र हैं, जैसे इलाबन, डिमोना, कफ्र देखारिया, नेबरा सोरेख, क्या इन पर ईरान हमले कर सकता है? ऐसा हुआ तो भयंकर तबाही मच सकती है। बात नंबर चार, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान के हमले के बदले इसराइल ने हमला किया है, पर बात यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी अमेरिका नहीं चाहता अब ईरान और इसराइल के बीच आगे हमले हों। बात नंबर पांच, सवाल यह भी कि इसराइल के हमले से ईरान का कितना नुकसान हुआ है? ईरान के दो सैनिकों की मौत हुई है। ईरान का कहना है कि उसने इसराइल की ज्यादातर मिसाइल्स को अपने डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया है। ऐसे में क्या ईरान इसराइल पर अटैक नहीं करेगा या फिर इसराइल के 100 फाइटर जेट का जवाब 1000 मिसाइल से दिया जाएगा? यह देखने वाली बात है।